नमस्कार दोस्तों, आरटी यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत हमारे देश के कई उन बच्चों को वो शिक्षा मिली है जिनके वो हकदार थे, पर इस एक्ट का इस्तेमाल करके कई फर्जी एडमिशन भी हुए हैं। आज ऐसे ही एक नए केस के साथ हम आए हैं जहां हमारे आरटी एक्शन कमेटी के चेयरमैन मिस्टर मोहम्मद शरीफ सर ने खोला इनका सच। इस केस को अंत तक देखें क्योंकि अंत में आप ही हमें बताएंगे कि गलत था या ये था सही। तो आइए दोस्तों इस केस को देखते हैं। ये घर में ये है, घर किसका घर है? ये कैनोर का घर था, नेतामकर, नरेंद्र नेतामकर का है। नरेंद्र नेतामकर, अच्छा वो शिवन गांव में रहते, उन्होंने रेंट से दिया है। किसको दिया है? उन्हीं को, अक्षय समुद्रे सर को। हाँ, और वो कहाँ रहते हैं? वो अप डाउन करते, उनका ड्राइविंग का है उनका, इसीलिए। नहीं तो ये समुद्रे कहाँ रहते फिर? अभी अप डाउन वो जॉब पे गए ना, वो ड्राइविंग किस में ना, वो तो बीवी बच्चे कहाँ है उनके? वो अभी एक आध हफ्ते से आएंगे यहाँ पे। एक आध हफ्ते से आएंगे उनके, क्या नहीं है हस्बैंड और वो, मतलब सॉरी वाइफ और उनकी बेटी ना। हाँ, वो यहाँ पे आएंगे एक हफ्ते से। उनने जो बोला वो बोल रहे थे तुम? नहीं नहीं, हम लोग यहाँ पे आते हैं अभी प्रैक्टिस के लिए ना। यहाँ पे मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे कोई रहता है तो खाने पीने का सिलेंडर रहता है ना? तो लेकिन वो ऑनलाइन ही मंगवाते थे जब भी आते थे। क्या ऑनलाइन मंगवाते थे? उनकी वाइफ के साथ जब भी आते थे ना वो। हाँ, तो ऑनलाइन मंगवा लेते थे खाने। तो यानी रेगुलर रहते नहीं है यहाँ पे? नहीं, बहुत कम रहते हैं। हाँ? बार बार ही ज्यादा रहते ना वो। मियाँ बीवी दोनों ही बाहर रहते हैं? कहाँ रहते थे वो? मुझे नहीं पता, उन्होंने यहाँ पे रेंट से लिया है 6-7 महीने। अरे तो यहाँ लिया तो रहना चाहिए ना। वो अभी वो मैं पूछ नहीं सकता उनको इतना कहाँ पे। तो तुम यहाँ कैसे हो फिर? हम मैं सामने में रहता ना। हाँ, प्रैक्टिस के लिए आता मैं, अभी खाली पड़ा, मतलब बंद है ना फिलहाल, इसीलिए। अब से मेरे यहाँ पे लाइट नहीं ना वहाँ पे। हाँ, इसीलिए हम लोग प्रैक्टिस के लिए आते हैं। क्या प्रैक्टिस करते हैं? गिटार और कीबोर्ड का है ना। हाँ, उसी की प्रैक्टिस के लिए आते हैं आप। ये रहते कहाँ है मेरे को ये बताओ तुम? उतना मुझे नहीं पता। हाँ, क्योंकि वो जॉब पे यहाँ नहीं रहते ना। हाँ, मेरे को ये पूछना है कि वो यहाँ रहते नहीं है ना, ये मेरा मेन ये है। और तुम्हारा घर कहाँ है? ये सामने में। कौन सा ये घर है तुम्हारा? हाँ, वो सामने वाला। इस केस में जहाँ अक्षय समुद्रे ने कराया अपने बेटे का एडमिशन, आईडी चेक करने पर खुला उनका सच। पूरा मामला खुलने पर पता चलता है कि अक्षय समुद्रे ने ये घर आरटीई के लिए किराए पर लेकर रखा था और हफ्तों तक उनका आना नहीं था। आपको क्या लगता है, इन झूठे केसेस का फर्क सच्चे पेरेंट्स और बच्चों पे नहीं पड़ता? आइए सुनते हैं एक परेशान पिता की गुहार। मेरा नाम राकेश मिश्रा है और मेरा 22 वेटिंग है, और जो यहाँ रहते नहीं है उनका नाम अक्षय समुद्र है, उनका उनके लड़के का एडमिशन हुआ है जबकि वो यहाँ पे रहते नहीं है, और मैं यहाँ पे रहने के बावजूद भी मेरा एडमिशन हुआ नहीं है। ठीक है ना, यही आपकी शिकायत है ना? हाँ सर, मेरी यही शिकायत है। ठीक, विजय वड़ुकले सर, मैं भी आरटी का पेरेंट्स हूँ और यहाँ पे एडमिशन के लिए जो यहाँ पे आया हुआ अभी 264 में, यहाँ पे घर में कोई भी नहीं रहता और एडमिशन हुआ है बोलते हैं। और क्या बोलना है आपका का मतलब? तो जिसका जो रहते हैं वो जगह पे उन्हीं का एडमिशन होना चाहिए ना सर, बाकी लोगों को तो मिलता ही नहीं जो बोलते हम आए रहते हैं यहाँ पे। आपका नाम क्या है? विजय वड़ुकले। ठीक है ना, ये आपको पता है ना कि मतलब यहाँ पे जो कोई भी नहीं रह रहा है, तो देखा ना सर। ठीक है, ये सब सुनने के बाद आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ये झूठे मामले हमारे देश के भविष्य के साथ बेईमानी नहीं है? कमेंट में जरूर बताएं। आगे और कई केसेस और उनके पर्दाफाश के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को जरूर लाइक करें। मिलते हैं अगले केस में।